हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। वार्ड नंबर 42 में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों से भरवाए फॉर्म वार्ड में चुनावी सरगर्मी शुरू। अतरवाड़ा बाईपास के पास हुआ भीषण सड़क हादसा बाइक में सवार दो महिलाएं और एक पुरुष को आई गंभीर चोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान हाथ ठेला और रेहड़ी वालों के लिए ला रहे बड़ी योजना छिंदवाड़ा में लाइव देखा गया प्रसारण। और बोर्ड टॉपर्स का कलेक्टर ने किया सम्मान अभिभावक और टीचर्स को भी मिली सराहना। नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। शहर के गुलाबरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 में पार्षद उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को पार्षद पद हेतु कांग्रेस और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जहां भाजपा की ओर से संदीप चौहान ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म जमा किया, वहीं कांग्रेस की ओर से उनके मुकाबले में राजेंद्र राजू स्वामी अधिकृत प्रत्याशी होंगे। दोनों ही प्रत्याशियों समर्थकों ने फॉर्म भरने की औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के क्षेत्रीय प्रतिनिधि वरिष्ठ नेता और वार्ड के कार्यकर्ता मौजूद थे। दोनों ही प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। आज हम सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सम्मान्य श्री संदीप सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ वार्ड क्रमांक 42 में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं नगर निगम के, उसमें पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन भरा है। हमारे सभी वरिष्ठजन आदरणीय काका जी, आदरणीय दिनेश मालवी जी, सम्मानीय राजेश बैस जी और सहित सभी नगर की टीम एवं हमारे नगर के अध्यक्ष अंकुर शुक्ला जी भी उपस्थित हमारे साथ में थे। और आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ सामूहिक रूप से संदीप सिंह चौहान जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है, उनके इसे निर्वाचन फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अल्केश लांबा जी सहित हम लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में एक युवा चेहरा हमारे द्वारा उतारा गया है और इस युवा चेहरे के माध्यम से हम वार्ड की जनता के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा एक ऐसा प्रत्याशी लाया गया है जो वास्तव में जीत कर और हम सभी लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से जीत हासिल करेंगे और वार्ड के समग्र विकास की हम चिंता करेंगे। धन्यवाद। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 42 में 13 जून को वोट डाले जाएंगे और 16 जून को पार्षद उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इन चुनाव के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा और वार्ड में धारा 144 लगा दी गई है। वार्ड पार्षद रहे स्वर्गीय राजेश भर के निधन के चलते सीट खाली हुई थी, जिसमें अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आज माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 42 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र स्वामी और राजू को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। हम सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलकर इस वार्ड की जीत माननीय कमलनाथ जी को समर्पित करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम यहां से जा रहे हैं। धन्यवाद। छिंदवाड़ा के तरवाड़ा बाईपास के पास मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाएं और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुंडीपुरा पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल महिला और पुरुष दोनों को पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पहले भी इस बाईपास में भीषण हादसे हो चुके हैं और चौराहे पर सड़क सुरक्षा के इंतजाम ना होना इसकी बड़ी वजह है। We'll be right back.
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में शहरी क्षेत्र के रेहड़ी और हाट ठेला चलाने वालों की महापंचायत को संबोधित किया। इस महापंचायत का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय में देखा गया। छिंदवाड़ा की टाउन हॉल में हाट ठेला एवं रेहड़ी वालों के लिए महापंचायत के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंडी साहू, नगर निगम के कमिश्नर राहुल सिंह, भाजपा नेता संतोष राय, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम विजय पांडे सहित हाट ठेला और रेहड़ी वालों के संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेहड़ी ठेले वालों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी हर संभव मदद करने के लिए आगामी दिनों में एक बड़ी योजना को लेकर वे आ रहे हैं, जिससे इन छोटे कारोबारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 12वीं पास होने वाले बच्चों को रोजगार न मिलने पर शिवराज मामा की तरफ से 8,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। अभी एक योजना बना रहा हूं मैं, जो जुलाई से लागू होगी। 12वीं पास के बाद भी अगर कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हैं, तो ऐसे बच्चों को हम अलग अलग संस्थाओं में काम सीखने भेजेंगे। भेज सकते हैं काम सीखने, अलग अलग होटल मैनेजमेंट में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। और काम सीखने अगर वो 12वीं पास है तो उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, और काम सीखने के बाद या तो वही काम करेंगे या अलग जगह जब हाथों में हुनर आ जाएगा तो काम। खबरों के सप्ताह को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और बाकी पढ़ते हैं खबरों में। जिला कलेक्टर शीतला पटले ने कलेक्टर सभाकक्ष में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023 में प्रदेश में प्रथम सूची में सम्मिलित 3 विद्यार्थियों एवं जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित करने के पूर्व सभी विद्यार्थियों से कलेक्टर द्वारा एक एक कर उनकी सफलता एवं भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं जानकारी प्राप्त की गई। सभी बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देते हुए इसे स्वयं की मेहनत एवं लगन का परिणाम बताया। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता को सम्मानित किया गया, साथ ही विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व महापुरुषों की जीवनी की किताबें एवं सेलिब्रेशन किट भेंट की गई। मेरी सिस्टर और स्कूल के गुरुजनों के कारण हो सका है और मैं भविष्य में मेरी IIT से ग्रेजुएशन करने की इच्छा है, तो मैं अभी JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अपने देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहूँगा। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। आप सभी को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लिटिल स्टेप हायर सेकेंडरी स्कूल बोरका। आई गॉट 482 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड आई एम दिस क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। हम अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों ने खुद के लिए जो किया है, और जैसा कि सॉन्ग में बोल रहे थे कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, आई वॉज गोइंग टू से सॉन्ग हैज स्टोलन पीस ऑफ माई स्पीच बाई सेइंग दिस इज जस्ट अ स्टार्ट एंड यू आर ऑल वेरी हार्डवर्किंग किड्स, यू आर वेरी डिलिजेंट किड्स, आप बहुत हार्डवर्किंग और मेहनती हो, और उसका वो एक बार आपके नंबर आते हैं तो वो जो सक्सेस होती है वो केवल उस समय की सक्सेस नहीं होती, इट इज समथिंग दैट स्टेज विद यू। मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान है। शहर के भारत भारती विद्यालय में चल रहे समर कैंप का मंगलवार को गरिमामय समापन हुआ। इस साल आयोजित समर कैंप में खिलाड़ियों ने स्केटिंग, रोल बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण लिया और इसमें महारत हासिल की। समर कैंप के समापन अवसर पर भारत भारती स्कूल की प्राचार्य शोभा मिश्रा ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात की और कहा कि खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत अहम रोल निभाते हैं, साथ ही जीवन में अनुशासन भी लाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के प्रशांत ठाकुर, योगेश ठाकुर, आशीष श्रीवास, खेल प्रशिक्षक यूनुस मंसूरी, सोलोमान रॉक्से और संगीता साहू उपस्थित थे। इसी खबर के साथ यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ, एक ऐसा स्कूल जहाँ क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4%, तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान।
प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट, कब पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और ब्रेक करते हैं अगली खबर का। कलेक्टर सभाकक्ष में मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल के लोग अपने आवेदन एवं समस्याएं लेकर पहुंचे थे। जनसुनवाई में समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और एक एक कर आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का जल्द से जल्द आश्वासन भी दिया। अधिकारियों ने कई समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और अधिकारियों के सामने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। नगर पालिक निगम में भी मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर राहुल सिंह ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी। इस जनसुनवाई में बिजली, पानी और सड़क जैसी व्यवस्थाओं को लेकर फरियादियों ने अपनी बात रखी, जिसको लेकर कमिश्नर ने अधिकारियों को समाधान हेतु निर्देशित किया। तो 29 निकल गई भैया, 29 कल खत्म हो गई, आज खत्म करो, आज कोई पेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, टू बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। 25 मई से 23 जून तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची सर्वे अभियान को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिलेवार के BLO को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी ने BLO को सर्वे कार्य के लिए मार्गदर्शन दिया। मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन का अभियान है इलेक्शन कमीशन द्वारा। 25 मई से 23 जून तक डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता का जितनी भी जनसंख्या भौतिक सत्यापन होना है, उसी के संबंध में मीटिंग। मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम जूना पानी से पर्वत घोघरी तक सड़क पक्की कराने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण जिला प्रशासन के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि मोहखेड़ के भवरी ग्राम पंचायत के ग्राम जूना पानी से पर्वत घोघरी तक सड़क कच्ची है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को बारिश के दिनों में स्कूल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस सड़क को पक्का कर दे, जिससे ग्रामीणों को आसानी हो सके। ये कहाँ से आया और क्या मांग लेते हैं? मैं वन ग्राम जूना पानी ग्राम पंचायत भवारी तहसील मोकड़ जिला छिंदवाड़ा से निवासी हूँ, और मेरे गांव में कच्ची सड़क पर्वत घोघरी तक कच्ची सड़क लगभग 4 किलोमीटर है जो पूर्व से है, तो उसको हम प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़वाना चाहता है। तो इसकी मैं बोले तो जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो हम आविष्कार करने की मांग कर रहे हैं। यदि हमारे गांव में जब तक प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनेंगे, जब तक हम आविष्कार कर देंगे, यही हमारी मांग है। क्या नाम? पिंटू बन। नगर के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित वीतराग भवन में चल रहे 8 दिवसीय जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर में 200 से अधिक शिविरार्थी खेल खेल में जैन दर्शन का पाठ सीख रहे हैं। शिविर के तीसरे दिन पंडित श्री विराग जी शास्त्री जबलपुर, पंडित श्री संजय जी सिद्धार्थी इंदौर द्वारा बच्चों की सामूहिक कक्षा लगाकर जैन दर्शन का पाठ पढ़ाया गया। इस आयोजन में फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी, आर्य जैन सहित गौरव पाटनी, प्रथम जैन और फेडरेशन की पूरी टीम बच्चों को संस्कारित कर रही है। आवाज़
प्यारी प्यारी नानी रोज सुनाती एक कहानी मेरी प्यारी प्यारी नानी अरहंतों की बात बताए सिद्ध प्रभु के गुण सिखलाए अरहंतों की बहुत ही मंगलमय प्रसंग पर चल रहा है मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के वैतराग भवन में, जहां दिगंबर जैन मोक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर चल रहा है, जो हमारा 28 मई से प्रारंभ हुआ, 4 जून तक चला। 8 दिवसीय शिविर में हमारे 200 से अधिक विद्यार्थी यहाँ जैन दर्शन का क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, खेल खेल में जिन शासन के सिद्धांतों को समझ रहे हैं, विशेष रूप से वही विराग जी शास्त्री और संजय जी सिद्धार्थी बच्चों को पानी छानना और शीतल पे जो पैक आता है इसमें खेल खेल में जैन दर्शन का पाठ पढ़ा रहा है। विशेष रूप से अरुण से अमन जी शास्त्री पढ़ा रहे पधारे हैं, जो स्वाध्याय भवन में सुंदर प्रवचन करके जैन दर्शन का विजय रोपण करा रहे हैं। संपूर्ण कार्यक्रम बहुत ही मंगलमय वातावरण में संपन्न। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज, रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। वार्ड नंबर 42 में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों से भरवाए फॉर्म, वार्ड में चुनावी सरगर्मी शुरू। अतरवाड़ा बाईपास के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, बाइक में सवार दो महिलाएं और एक पुरुष को आई गंभीर चोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, हाट ठेला और रेहड़ी वालों के लिए ला रहे बड़ी योजना, छिंदवाड़ा में लाइव देखा गया प्रसारण। और बोर्ड टॉपर्स का कलेक्टर ने किया सम्मान, अभिभावक और टीचर्स को भी मिली सराहना। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।